राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर विभिन्न चरणों में ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के बाद भी प्रबंधन द्वारा संवर्ग की समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया, जिसको लेकर सोमवार को जनपद के सभी अवर अभियंता एवं प्रोन्नत अभियंता मुख्य अभियंता कार्यालय पर उपस्थित होकर ध्यानाकर्षण कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसके संबंध में संगठन के केंद्रीय उपाध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि मंगलवार को भी आंदोलन जारी रहेगा तथा 27 एवं 28 अक्टूबर को जनपद के सभी अवर अभियंता व प्रोन्नत सहायक अभियंता पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार कर मुख्य अभियंता कार्यालय पर उपस्थित होकर ध्यानाकर्षण कार्यक्रम करेंगे। यदि इसके बाद भी उच्च प्रबंधन द्वारा अवर अभियंता संवर्ग की मांगों का निदान नहीं किया जाता है तो 29 अक्टूबर से गोरखपुर क्षेत्र के सभी अवर अभियंता कार्य बहिष्कार करते हुए मुख्य अभियंता कार्यालय पर उपस्थित होंगे और वहीं से जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के केंद्रीय उपाध्यक्ष अजय कुमार ने कहा। अजय कुमार, केंद्रीय उपाध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन, उत्तर प्रदेश। प्रेस वार्ता किस संदर्भ में की जा रही है? ये प्रेस वार्ता इस संदर्भ में की जा रही है कि ये राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है पिछले 7 सितंबर से चल रहा है, लेकिन इस ऊर्जा प्रबंधन के कान पे जू नहीं रेंग रही है और उल्टा प्रचार किया जा रहा है कि ये लोग तनख्वाह बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। जबकि हमारा कहना ये है कि हम किसी भी तनख्वाह बढ़ाने के मामले में कोई मांग नहीं कर रहे हैं। हमें जो मिल रहा था उसे भी ख़त्म करने के का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए हमारी डिमांड है। हमें हमारा अधीक्षण अभियंता का वेतनमान 2009 में दिसंबर में ही आदेश हुआ था और अब हमारे जो सीनियर्स हैं सबको अधीक्षण अभियंता का वेतनमान मिल रहा है, लेकिन जब हमारे 2001 बैच के लोगों का तीसरा टाइम स्केल का आदेश हुआ लेकिन उसकी वेतन पर्ची नहीं जारी की जा रही है। ये विरोध हमारा है कि आप पहले तो झूठ बोल रहे हैं, मीडिया में गलत प्रचार कर रहे हैं कि हम वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हम निश्चित रूप से अपने संसाधनों की मांग कर रहे हैं, जनता की सेवा में जो सामान हमें चाहिए वो उसकी मांग कर रहे हैं। आज ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है ये कैसा सवाल है? हम इतना पैसा ला रहे हैं साइटों से और आप 21 रुपये की बिजली खरीद रहे हैं और 5 रुपये में बेच रहे हैं, ये कौन सा नियम है, कौन सा व्यापार है? 21 रुपये की बिजली क्यों खरीद रहे हैं? जब आपके पास पैसा नहीं है तो 21 रुपये की बिजली खरीदने की ज़रूरत क्या है? आपके पास जितनी बिजली है उतनी सप्लाई दीजिए। लेकिन ये लोग बैठे बड़ी कुर्सियों पे बैठे, आईएएस प्रबंधन के लोग बड़े कुर्सियों पे बैठे, डायरेक्टर वगैरह सब खाली भर विभाग को बेचने का काम कर रहे हैं। विभाग के संबंध में इनको कोई चिंता नहीं है कि अवर अभियंता संवर्ग लगातार जो जाड़ा गर्मी बरसात रात दिन 2 बजे रात को अगर बिजली जाती है और 2:30 बजे आती है तो हमारा अवर अभियंता सहायक अभियंता प्रोन्नत अभियंता जा करके रात में काम कराता है तब लोगों के घरों में बिजली आती है। ऐसे कमेरा वर्ग को ये लोग उपेक्षित किए हुए हैं और पिछले लगभग 45-50 दिन से ये संवर्ग जिसको काम करना चाहिए वो कहीं ना कहीं आंदोलित है, जिससे हमारे ऊर्जा विभाग पर भी प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन इनको कोई चिंता नहीं, बस इन्हें विभाग को किसी न किसी तरह बेचने का प्रयास कर रहे हैं। इसको हम कतई होने नहीं देंगे। हमारी तमाम डिमांड हैं जो सिर्फ विभाग की बेहतरी के लिए डिमांड है। अगर इसके बाद भी हमारी ऊर्जा मंत्री से वार्ता हुई थी, ऊर्जा मंत्री ने 14 तारीख को ये संदेश दिलवाया था कि आप लोग आइए, हम आपके कमियों को जो भी आपकी मांग समस्याएँ हैं उसको दूर करेंगे, उसके उनके आश्वासन पे हम लोगों ने 10 दिन इस आंदोलन को स्थगित किया कि आप, उन्होंने 1 सप्ताह मांगा था लेकिन हमने 10 दिन दिया, 10 दिन उनको ये दिया कि आप जो चाहें हमारी डिमांड के ऊपर जो रिसर्च करना चाहते हैं रिसर्च कर लीजिए और ये हमारी डिमांड को पूरा कराइए। लेकिन ऊर्जा मंत्री के कहने के बाद भी जो यहाँ का प्रबंधन है, चेयरमैन उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन, उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया, बस अपने हठवादी रवैये पे उतारू हैं और झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं कि हमारे विभाग में पैसे की कमी है। पैसे की कमी है तो 21 रुपये की बिजली क्यों खरीद रहे हैं? 21 रुपये की बिजली खरीद रहे हैं तो 22 रुपये हम क्यों नहीं बेच रहे हैं? 5 रुपये में बेचेंगे, 21 रुपये की बिजली खरीद के 3 रुपये में बेचेंगे तो कौन सा विभाग फायदे में चला जाएगा? इस तरह ये जनता के पैसे का अनाप शनाप लोग दुरुपयोग कर रहे हैं और जनता को होने वाली समस्याओं से प्रदेश को झोंक रहे हैं जन समस्याओं में। इस तरह से ये चलने वाला नहीं है। फिर हमने जब 10 दिन देख लिया कि इनका कोई सकारात्मक रवैया नहीं है तो हमने फिर से नोटिस दिया है आज और कल।
3 बजे से 5 बजे तक हर जिला मुख्यालय पे हमारा ये विरोध प्रदर्शन होगा, प्रेस भी कॉन्फ्रेंस होगी, और कल 26 के बाद 27 और 28 पूरा कार्य बहिष्कार होगा, कोई काम नहीं किया जाएगा। सिर्फ पाली में जो ट्रांसमिशन में 400 केवीए पे पाली में तैनात हैं वही लोग काम पे रहेंगे, लेकिन 28 तक की शाम तक अगर नहीं हमारी बातें मानी गई तो सुबह 29 को पूरा प्रदेश जेल जाने के लिए तैयार है। हम लोग पूरी तरह से अब सर पे कफन बांध के चले हैं कि या तो हमें ही मिटा दीजिए या तो हमारी मांगे मान लीजिए, इससे कम पे हम कोई समझौता नहीं करने वाले हैं।